हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। मेरा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं 15 एम्पियर स्विच सॉकेट। एक 15 एम्पियर का सॉकेट है, स्विच है, और 5 एम्पियर का दो सॉकेट, तीन स्विच है। आज हम बनाने जा रहे हैं ये कैसे वायरिंग होता है और किस टाइप का बनता है। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देख सकते हैं ये कटिंग बोर्ड, मैंने कटिंग पहले से कटिंग करके फिटिंग कर दिया स्विच सॉकेट, और इसको वायरिंग करेंगे। मैंने रेड कलर का 1 mm का वायर लिया है जो वायरिंग करेंगे। पहले इसको कटर से उसका इंसुलेशन हटा लेंगे। ये हमारा जो स्विच पॉइंट है उससे दूसरे स्विच को शॉर्ट करेंगे। ऐसे दोनों तार को काट के जॉइंट करके स्विच में कनेक्शन करेंगे। ये हो गया हमारा 5 एम्पियर का स्विच। ये शॉर्ट कर देंगे स्विच में और टाइट कर देंगे। वैसे ही दोनों स्विच को वैसे ही शॉर्ट कर देंगे, नाप के काट लेंगे। उसके बाद क्या है, इंसुलेशन हटा के स्विच टू स्विच शॉर्ट कर देंगे। दोनों स्विच का जो नट होता है उसको खोल के इसको शॉर्ट कर देंगे। दोनों स्विच को इस तरह से शॉर्ट कर देना आपको भी। ये हमारा बोर्ड शॉर्ट हो गया, और अभी इसको टाइट कर देंगे। ये बोर्ड मेरे को एक वर्कशॉप से ऑर्डर आया था कि मेरे को इसे बना के दो, तो उसके लिए मैं बना दे रहा हूँ। दो सॉकेट, तीन स्विच और 15 एम्पियर का ऑर्डर आया था, तो उसी हिसाब से मैं उनको बना के दे रहा हूँ। अभी क्या करेंगे, स्विच टू सॉकेट को कनेक्शन करेंगे। इस तरह से लगा देना है आपको, उसके बाद टाइट कर देना। फिर उसके बाद कटिंग करके इसको लोड, मतलब जो सॉकेट का लोड पॉइंट होता है उसमें कनेक्शन करेंगे। इस तरह लोड वाला पॉइंट में कनेक्शन कर दीजिएगा। दूसरे वाले सॉकेट को भी वैसे कनेक्शन कर देना। स्विच टू स्विच, सॉकेट टू सॉकेट। ये हमारा लोड पॉइंट में कनेक्शन हो गया। उसके बाद इसको क्या करेंगे, स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन हो चुका है, दोनों सॉकेट को स्विच से कनेक्ट कर दिए। फिर इसी तरह 16 एम्पियर सॉकेट को भी, बड़ा जो सॉकेट रहता है 16 एम्पियर, उसको कनेक्ट कर देंगे स्विच में। सिक्सटीन एम्पियर पॉइंट में कभी भी
कम एम्पियर का तार नहीं दीजिएगा, थोड़ा सा हेवी वायर दीजिएगा क्योंकि उसमें हेवी इक्विपमेंट चलता है। फिर उसके बाद वो अर्थिंग कनेक्शन करेंगे। अर्थिंग का पॉइंट जो है हमेशा ऊपर रहता है, उसमें सिंबल रहता है अर्थिंग का, आपको अर्थिंग वाला पॉइंट में ही अर्थिंग लगाना है, दूसरे कोई पॉइंट में लगाइएगा नहीं, उसमें दिक्कत हो जाएगा। फिर सॉकेट टू सॉकेट अर्थिंग मिला देना है आपको। ये हमारा ग्राउंड अर्थिंग होता है, जो हेवी इक्विपमेंट में जो एक्स्ट्रा करंट रहता है वो ग्राउंड को जाता है। एक स्विच हमारा जो बचा हुआ उसको लाइट से कनेक्शन होगा, इसीलिए हम वो कनेक्शन नहीं करेंगे। ये हमारा अर्थिंग में कनेक्शन हो जाएगा अभी। फिर न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे, सॉकेट टू सॉकेट टू सॉकेट। कभी भी अगर स्विच सॉकेट आप वायरिंग कीजिएगा बोर्ड में, तो 1 mm के नीचे कभी वायरिंग नहीं कीजिएगा, हमेशा 1 mm के ऊपर ही दीजिएगा। ये हमारा न्यूट्रल टू न्यूट्रल कनेक्ट हो गया। ये एन वाले पॉइंट में न्यूट्रल डाल देंगे, ब्लैक वायर जो मैंने लिया है वो न्यूट्रल के लिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, बड़ा वाला पॉइंट में इसको डाल देंगे, बड़े वाले पॉइंट में डाल देना है। बस हमारा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, कभी भी इसको कनेक्शन कीजिएगा तो स्विच का नीचे फेज दीजिएगा, और न्यूट्रल जो ब्लैक कलर का वायर है उसमें न्यूट्रल दीजिएगा और ग्रीन में अर्थिंग दीजिएगा। हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। स्विच टू स्विच शॉर्ट किए, उसके बाद स्विच से सॉकेट, स्विच से सॉकेट, स्विच से सॉकेट, फिर अर्थिंग, तीनों अर्थिंग और न्यूट्रल। बस